डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे ऑपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू ऑपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, सबसे पहले माइकल पॉटर ने ये तीन स्ट्रेटजी डेवलप की थी, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप एंड क्विक रिस्पांस। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इनमें से कोई भी एक स्ट्रेटजी अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आप मार्केट में लीडर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का सिनेरियो डिफरेंट है। आज क्या होता है, मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज कंपनी इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो पहले जो कहा गया था वो ये था, डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तीनों जेनरिक स्ट्रेटजी बोली जाती हैं और इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेटजी के फील्ड में। डिफरेंशिएशन होता है कंपटीटर से अलग प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे फीचर्स जो कि और किसी प्रोडक्ट में हो ही ना। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यूनिकनेस में सोनी। ठीक है, कंपटीटर के मुकाबले जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सोनी का प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो क्या करती है, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करती है और मार्केट में हमेशा इस मामले में लीडर हैं, यूनिक प्रोडक्ट वो मार्केट में लाते हैं। ठीक है, फिलिप्स, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, एप्पल। ठीक है, तो ये सब है यूनिकनेस के एग्जांपल, डिफरेंशिएशन के। तो कैन गो बियॉन्ड बोथ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्विस एट्रीब्यूट टू इनकम्पास एवरीथिंग दैट इम्पैक्ट्स कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी है कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली यूनिकनेस, ओके, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एज परसीव्ड बाय कस्टमर डज नॉट एम्प्लॉय लो वैल्यू और लो क्वालिटी। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप होता है कम कॉस्ट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, वैल्यू फॉर मनी लगना कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को लगे कि मैंने जितना पैसा पे किया है उसमें ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेनो ट्राइबर है। ठीक है, रेनॉल्ट ने जो ट्राइबर लॉन्च की है, ठीक है, तो उसकी सेल इतनी बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि उसको लोगों ने वैल्यू फॉर मनी कंसीडर किया। ठीक है, उसमें जो फीचर्स हैं वो किसी 8-10 लाख की MPV, ठीक है, और इवन जो उससे भी ऊपर की कुछ MPV हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, फिर भी वो उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया इस मामले में। ठीक है, कि मैं जितना पैसा आप पे कर रहे हो, ठीक है, 4.5-5 लाख से शुरू है उसकी जो बेस प्राइस है, अब इतने में तो आप देखिए तो 5 सीटर ही मिलती है। ठीक है, और वो 7 सीटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल है कि मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर, है ना, कि कस्टमर को लगना चाहिए कि मैंने जितना पैसा खर्च किया है उससे कहीं ज़्यादा का मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री में देखिए आप, ठीक है, तो जो टॉप कंपनी होती है वो वही होती है जो कॉस्ट लीडरशिप पर फोकस कर दे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम उसको बाई करने वाला बहुत है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा ऊंचे सेगमेंट में जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। आप देखिए, इस समय रियलमी के फ़ोन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एक टाइम पर माइक्रोमैक्स चल रहा था, एक टाइम पर सैमसंग लीडर चल रहा था, बहुत टाइम पहले नोकिया हुआ करता था, तो ये सभी कॉस्ट लीडरशिप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर ऑफर करते हैं, जो भी ऑफर कर लेगा, ओप्पो, वीवो। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉस्ट लीडरशिप के एग्जांपल हैं। कस्टमर को लगना चाहिए कि मैं जितना पे कर रहा हूँ उसमें इससे अच्छी वैल्यू नहीं मिल सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है, बेटर, चीपर, मोर रिस्पॉन्सिव, फ्लेक्सिबल, रिलायबल, रैपिड, है ना। कस्टमर में टॉलरेंस लिमिट अब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एशियन पेंट का एग्जाम्पल दिया था, तो एशियन पेंट ने क्या किया, अपनी प्रोसेस को चेंज कर दिया। पहले पेंट के लिए आप शेड सेलेक्ट करते थे, उसके बाद घर आ जाते थे, फिर वो आपको कुछ दिन का टाइम देता था जब आप एडवांस जमा कर देते थे, उसके बाद आप पेंट लाते थे, फिर पेंट करने वाले को ढूंढते थे, बर्जर पेंट, है ना। उसने क्या किया, वो घर ही पर आकर के सारे शेड वेड दिखा करके और आपसे कहते हैं सर एक दिन में ही पेंट हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड स्टाफ लगा करके और वो पेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, वो बढ़ गया। ठीक है, स्विगी, जोमेटो वगैरह क्या है, क्विक रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें देखिए तो जोमेटो में अब ऑप्शन देने लगा है ना आपको, कि अगर आप चाहते हैं कितने टाइम के अंदर आ जाए तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करिए, 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप अगर ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुझे फूड मिल जाए। ठीक
ठीक है, और अपने डोर स्टेप पर मिल जाए, आप काम करके आए, अब आप बना भी नहीं सकते तो क्या करेंगे, स्विगी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर कर देंगे, तो क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ओला उबेर, अगर वही टैक्सी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक पहले होता था ना कि खड़े हैं वेट कर रहे हैं कहीं पर भी, आई तो ठीक है बैठ गए, नहीं तो अब वो सब सिस्टम ही ख़त्म हो गया। क्विक रिस्पॉन्स पर इन्होंने काम किया, तो ई कॉमर्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्विक रिस्पॉन्स पर। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए किसी भी सिचुएशन पर किसी भी टाइम पर आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद वो विद इन अमेजन प्राइम है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके क्विक रिस्पॉन्स के, बेटर चीपर मोर रिस्पॉन्सिव फ्लेक्सिबल रिलायबल रैपिड। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि इसमें लाई करते हैं। तो आप देखिए, तो पहले जो माइकल पॉटर ने कहा था वो जेनरिक स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से बाईपास करते हैं, है ना, लेकिन पहले की जो कंपनीज थी उनमें क्या होता था कि अगर आप कोई भी एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेते हैं तो उससे आप मार्केट में लीडर हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको मार्केट में कम्पीट करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और सारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज के कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर लोकेशन टू लोकेशन उन स्ट्रेटजीज़ को वेरी भी करना पड़ेगा, तब जा कर के आप सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आजकल के सिनेरियो के हिसाब से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने तीनों तीनों स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रखा है। ठीक है, जैसे डेल का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको और एग्जांपल भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो डेल क्या है, डेल एक कंपनी है जो कि पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, मतलब ये ऑनलाइन ही ऑर्डर लेते थे और आप अपना कस्टमाइज जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसको कस्टमाइज़ करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते थे, और विद इन 7 डेज वो आपको कस्टमाइज लैपटॉप प्रोवाइड करा देते थे आपकी साइट पर। ठीक है, तो वो अपने वेंडर्स को कांटेक्ट करते थे, वेंडर से मटेरियल लेते थे, उसको असेंबल करते थे और आपकी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप आपके पास पहुंच जाता था। ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस भी वहाँ के आसपास के एरिया के वेंडर्स आइडेंटिफाई करके रखते थे, उनको कॉल पर आपकी क्वेरी दे दी और उसके बाद वो, ठीक है, तो वो सारा काम उन्होंने ऑनलाइन, तो डिफरेंशिएशन मॉडल ही डिफरेंट है ये। ठीक है, ऐसा और किसी कंपनी ने नहीं कर पाया। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, वो जो आपने मटेरियल लिए हैं वो जो कंपोनेंट वो प्रोवाइड करते हैं वो कम से कम कॉस्ट में कंपटीटर से। ठीक है, और क्विक रिस्पॉन्स विद इन 7 डेज आपको आपके हिसाब के आपके स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो उससे अच्छा क्या है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई कर रखी है, तो इसी तरह से बहुत सारी एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जिन्होंने तीनों स्ट्रेटजी अप्लाई कर रखी हैं। ठीक है, तो ये जेनरिक स्ट्रेटजीज हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी का मिक्स कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है, टू गेनिंग द कम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी मार्केट, इज इट क्लियर। तो कम्पीटिंग ऑन एनी बेसिस रिक्वायर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विद इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्ट्रेटजी। ठीक है, थैंक यू, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मीन्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं, मैं फिर उसको डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू।